देखिए, निश्चित रूप से एक जो अजान का जो मामला है बहुत ही एक सामाजिक समस्या है राष्ट्र में। जो भी सत्ता में आता है, जो भी जो चाहता है, वो तोड़ मरोड़ कर और हमारे मंदिरों को तोड़ देता है। हिंगिया घुसपैठिया अगर उन पे चलता है तो तुरंत ही वो उनके पेट में दर्द हो जाता है। विपक्षी पार्टियों को जाकर के सर्वोच्च 400 से 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया गया अलवर में, राजस्थान में, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। आज भी हमारा कहीं ना कहीं सनातन धर्म को गुलाम बनाया गया है। नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। देश में आजकल हनुमान चालीसा को लेकर हर जगह विवाद चला हुआ है। इसी के लिए हम अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रवाणी महाराज जी के पास मौजूद हैं। खास बातचीत के लिए हम स्वामी जी से जानकारी लेंगे, देश में ऐसे विवाद क्या चल रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से एक जो अजान का जो मामला है बहुत ही एक सामाजिक समस्या है राष्ट्र में, इसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है। दूसरी बात, आप देख लीजिए कि हमारे हिंदू सनातन धर्म के जिस प्रकार से 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया गया अलवर में, राजस्थान में, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ की सरकार कांग्रेस की है और बीजेपी भी नगर निगम में है, दोनों दोषी हैं इस पाप के भागी के। हम हिंदू बहुत आहत हो रहा है कि आज़ादी के बाद भी आज भी हमारा कहीं ना कहीं सनातन धर्म को गुलाम बनाया गया है। जो भी सत्ता में आता है, जो भी जो चाहता है, वो तोड़ मरोड़ कर और हमारे मंदिरों को तोड़ देता है। और कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों पर, जैसे जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा था, तो चाहे बांग्लादेशी घुसपैठी हो या रोहिंग्या घुसपैठिया, अगर उन पे चलता है तो तुरंत ही वो उनके पेट में दर्द हो जाता है। विपक्षी पार्टियों को जाकर के सर्वोच्च न्यायालय सकते वो लेते आते हैं, स्टे आर्डर लेते आते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बड़ा आहत है। तो इसके लिए ज़रूरी है हिंदू महासभा को सशक्त बनाना, हिंदू महासभा को मजबूत बनाता, तभी हमारा देश में हमारे अस्तित्व रह पाएगा। अन्यथा देखो, मुस्लिम राष्ट्र तो 56 है विश्व में, लेकिन हिंदू राष्ट्र तो कोई नहीं है। तो अब आवश्यकता इस बात की है कि एक जागरूकता अभियान शुरू किया जाए जिसके माध्यम से देश हिंदू राष्ट्र बने। स्वामी जी, एक सवाल और है हमारा आपसे कि मतलब ये कहना चाहेंगे, साइन बाग में कहते हैं लोग कि बुलडोजर नहीं आएगा, क्या साइन बाग में अतिक्रमण नहीं है? साइन बाग तो ड्रग्स माफियाओं का अड्डा है। साइन बाग पाकिस्तान से जुड़ा हुआ स्थान है। आप देखो जिस प्रकार से साइन बाग में वो हो रहे थे, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और साइन बाग के माध्यम से जब साइन बाग में आंदोलन चल रहे थे, उसमें पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री थे वो सब इंटरेस्ट ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं देश दुश्मन से जुड़ा हुआ चीज़। अभी कुछ ड्रग्स वहाँ पर पकड़े गए हैं और हमें लगता है कि वहाँ पे आतंक के भी स्रोत मिल सकते हैं, और है, क्योंकि काफ़ी विदेशों से फंडिंग वहाँ पे आता था। और वहाँ पे बुलडोजर चलाना राष्ट्रहित में है, जितना जल्दी हो सके वहाँ श्राइन बार में बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, आज उसकी आवश्यकता है। बहुत बड़ी जानकारी हमें स्वामी जी ने दिया है ये कि अतिक्रमण जहाँ है वहाँ भी बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, और देश हित में हनुमान चालीसा को लेके भी हमें जानकारी दी। खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद थे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रवाणी महाराज। जनहित टाइम्स से निगम पांडे की रिपोर्ट।